ताऊ जी सलाम। अरे भाई महेंद्र, अब ठीक है रवि? रखे ठीक है, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये दिन देखने से पहले हम मर क्यों ना गए थे। अरे बावला हो गया तू, ऐसे ना करा करते हैं। एक बार आज सिर्फ उसकी वजह से मैं तेरे तो आंख मिलाने के लायक भी नहीं रहा। अरे यार महेंद्र, तू कैसी बातें कर रहा है? मारे पे आज तक बड़ी बड़ी मुसीबतें आई और चली गई। खुदा पे भरोसा रख, खुदा पे। हमने आज तक हर मुसीबत का सामना साथ साथ किया है। ना एक बात ना, इसमें रवि की बहुत बड़ी गलती। कुछ ना हुआ है? झपटा उपटा हुआ है, दूधने वाले पीर पे जाकर झाड़ा लगवा लाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और है कहाँ वो? ऊपर गिर रखा बांधगा। अब ऐसे कर, उसे खोल के खाना वाना खिला दे, ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगा। ना ताऊ जी, उसे वहीं बंद रहने दो। दो चार दिन बंद रहेगा तो कल ठिकाना आ जाएगी उसकी। अरे बेटा तू पागल हो रहा है, जा खोल के आ उसे। अरे हम समझावेंगे उसे। अरे तुझे सुनाई ना दे रहा है? जब हम कह रहे हैं जा खोल के आ उसे। और सुन, हाथ तुम्हें रोटी भी लेता आई उसके लिए। ताऊ रवि को क्या होगा? आ बैठ मेरे दोरे बैठ। अब तेरी तबीयत ठीक है बेटे? अब तो ना चढ़ रहा तेरे में मनोज का भूत। हाँ भाई रवि। तुम मुझे रवि रवि मत करो, मैं मनोज हूँ मनोज, और सबको मेरी है। फिर बात करने लगा तो तुम क्यों मुझे रवि रवि कर रहे हो? अरे क्या मामला है, कोई मुझे भी तो बताओ। मुझे कोई बताना रहा है? अरे इसने रात भर यही बकवास करी है कि मैं मनोज हूँ या मेरी सब्बो है। हम फलाने गांव में रहे थे, हम ठिकाने स्कूल में पढ़े थे, हम यू करे थे, हम वो करे थे। क्या बकवाद ना है, ये प्यार है मेरा। सब्बो जमालुद्दीन की लड़की है और मैं आजाद का लड़का हूँ। अरे चुप रह ले पिताजी, इसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। तीसरे झटके की जरूरत ना है इसे, पहले मैं कैटेगर रवि हूँ। मैं मनोज हूँ और सब्बो मेरी है। पिताजी इसने खून पी लिया हमारा। चार दिन पीछे ब्याह है घर में, यू ना जाने कैसे कैसे करके हटेगा। सब्बो का ब्याह मेरता होगा, मेरता होगा, मेरता होगा। अरे इसे बंद करा तू, जो ऐसे बात ना आने का, इसे तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। चुप रह करें, बिल्कुल ठीक है यू, कुछ ना हुआ इसे। देख बिल्कुल ठीक है। अरे भाई कोई खाना खिलाओ इसे। जिद ना करा करते बेटा, चल खाना खा ले। सब्बो मेरी है। हाँ हाँ तेरी है, इब रोटी तो खा ले। महेंद्र यार चला देख यहाँ मैं, ये जिस गांव के बारे में बात कर रहा है। अरे तू इसे बचपन से जाने, फिर भी तू ऐसी बात कर रहा। चल तेरी बात बड़ी कर दी कि कुछ भी ना है, पर एक बार चल के देखाने में ऐतराज क्या है। चल भाई ठीक है, तू नहीं मानता तो चल। तेल वेल डालो स्टेशन में, इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई। चला यार आ, सारी सारी दोपहर ही छत पर खड़ा रहता। रोम रोम में बस गया, बस गया, उसका प्यार है। खट्टा खट्टा मीठा मीठा ये जो कुमार है, चोरी चोरी चुप चुप हुआ दीदार है। अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। मौका बैठ जा, बैठ जा निश्चय तू, नहीं तो मर जाएगा इन हाथों से। शास्त्री जी आपको बड़े सर जी बुला रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। बच्चों समय जितना बताया है उतना याद करो, मैं अभी आ रहा हूँ। और सुनो कोई बच्चा शोर नहीं मचाएगा, राजू यहाँ आके खड़ा हो जा। जो कोई बच्चा शोर मचाए उसका नाम नोट कर लेना। मैं आई कमिन सर। यस कमिन। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ शास्त्री जी आपको बुलाया, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। भाई साहब ये है शास्त्री जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आदाब। शास्त्री जी आप इनसे बात करो, तब तक मैं विद्यार्थियों को पढ़ाकर आता हूँ। बैठिए जी, कहिए। शास्त्री जी। जी हम आपसे कुछ पूछने के लिए आए। पूछिए।
आपके स्कूल में कभी शब्बो और मनु नाम के बच्चे पढ़ा करते थे? ये बात है कमरुद्दीन, मुझे लगता है तुमने मुझे अभी भी माफ नहीं किया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं सब्बो और मन्नू के प्यार के बीच में आ गया। अरे नहीं कमरुद्दीन, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे माफ कर दो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो जब सोचूंगा जब तुम मेरे हाथ से मिठाई का पीस खाओगे तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। सब्बो, मैं पहले अपने जिज्जा को खिलाना चाहूंगा। अरे पहले इसे खिला ले। अब तो खुश हो? अब तो बहुत खुश हूं। मतलब मुझे कुछ हो रहा है। मेरा काम हो गया, मेरे जीते जी जब्बो और मन्नू कभी नहीं मिल सकते, वो गए कई काम से। सब्बो क्या हुआ? मैंने तब दोनों को जेल दे दिया।
शास्त्री जी, यह सच बात है? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप लोग चाहें तो आज भी गांव वालों से पूछ सकते हैं, बच्चे बच्चे बता देंगे। आज भी आसपास के किसी गांव में कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मनोज और शब्बो का उदाहरण देते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह अमर हो जाए, उनका प्यार अमर हो जाए। शास्त्री जी, आप हमें उनके घर ले जा सकते हैं? हैरिये, रामदीन, क्लास 10th से सुनील को लाना बुला के। सुनील मनोज के बड़े भाई सतीश का लड़का है। अरे भाई सुनील कौन सा, उसे शास्त्री जी बुला रहे। आ रहा हूं। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। बेटा बाबा जी हैं घर पे? हाँ जी, दोनों घर पे ही है। ठीक है, तुम जाओ। चलो जी चलें। बहन जी राम राम। नमस्ते जी। राम राम शास्त्री जी। कोई भी दिखाई ना दे रहा, घर कैसे खाली सा हो रहा? वो और सतीश तो खेतों पर गए और बालक स्कूल जा रहे। तुम बताओ शास्त्री जी, के काम है? बस जी करा, चौधरी साहब से मिलने चले आए। तुम बैठो, मैं दूध ले आऊं। आओ बैठें।